हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डेंट्स इन्फर्नोआ गेम प्ले करने वाले हैं लेनोवो जेड 2 प्लस के साथ। और पिछली वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी सेटिंग्स के लिए, तो सेटिंग्स ये हैं इस डिवाइस की। जो भी वुल्कन सपोर्टेड डिवाइस है उसमें आपको वुल्कन को सिलेक्ट करना है। ओपन जीएल भी बढ़िया एपीआई है, पर वुल्कन के मुकाबले काफ़ी स्लो है वो। वुल्कन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके सीपीयू लोड को कम कर देती है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और मल्टी कोर को यूज करती है। और ये सेटिंग्स हैं इसकी। और ये जो क्लॉक स्पीड का ऑप्शन है, ये सिर्फ ओपन जीएल यूजर ट्राई कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना हर एक डिवाइस के लिए अलग होगा। यानी एक बार आप 60 पर इसको सेट करके चला के देख लेना गेम को। अगर वो इस लैग नहीं है तो आप गेम को क्लोज करके दोबारा इसको 60 से 80 कर लेना या 70, फिर ट्राई करना, फिर चला के देखना। अगर वो इस लैग नहीं है तो फिर से थोड़ा ओवर अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। जब तक वॉइस लैग नहीं होती आप बढ़ाते रहना उसको। जहाँ पर आपकी वॉइस लैग होने लग जाती है उससे पिछला अमाउंट आप सिलेक्ट करो, वो आपके डिवाइस की बेस्ट सेटिंग होगी। और ओपन जीएल में ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेंगे गेम, यानी फ्रेम रेट आपको बहुत कम मिलती है, 30 के अंदर मिलेगी। जब आप इस तरह से सेट करोगे तो 30 के अंदर मिलेगी। और डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर कैसा है। जैसा आपका हार्डवेयर है ये सॉफ्टवेयर वैसा ही परफॉर्म करेगा। अभी गेम प्ले करते हैं इसका, डांस इन फर्नोवा। और इससे अगली वीडियो में हम डॉल्फिन ट्राई करेंगे। डॉल्फिन में रेजिडेंट इविल 4 को ट्राई करें कैसा चलता है इसके साथ। और एक बैटमैन जो पहला पार्ट है बैटमैन का, वो भी डॉल्फिन वाला, उसको भी ट्राई करेंगे इस डिवाइस के अंदर। और साथ में मेरे दूसरे डिवाइस जिससे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे भी ट्राई करेंगे। और इसके ऊपर भी वीडियो बनानी थी, मेरे पास टाइम नहीं है, इसके ऊपर भी बनाऊंगा मैं। अनबॉक्सिंग की आधी रिकॉर्डिंग पड़ी है पहले ही और आधी अभी बाकी है तैयार करनी। Yeah.
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में रेजिडेंट ईविल 4 को ट्राई करेंगे।